गाइस 31 जुलाई को इंडिया में ओप्पो की लॉन्च इवेंट है, जहां पे वो अपने दो नए स्मार्टफोन्स ओप्पो रेनो 4 एंड 4 प्रो को लॉन्च करने वाले हैं। एंड दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी कमाल के होने वाले हैं। इनफैक्ट रेनो सीरीज़ के सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन ये होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे इन स्मार्टफोन्स के बारे में, इनके स्पेक्स के बारे में, देन हम बात करेंगे इसकी एग्जैक्ट प्राइस के बारे में कि किस प्राइस पर हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में। तो स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि ऑब्वियसली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के साथ साथ 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। साथ ही ये 3D कर्व डिस्प्ले होने वाली है, तो काफ़ी अच्छा व्यूविंग एंगल्स आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ जो बैक डिजाइन आपको देखने को मिलता है वो ग्लासी फिनिश देखने को मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन आपको बैक में भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी कमाल का है, और जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी कमाल की इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। हालांकि वो चाइनीज वेरिएंट में देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया के लिए जो लीक्स निकल कर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्मार्टफोन में आपको 720G देखने को मिलेगा। और अगर ये स्मार्टफोन 720G के साथ में लॉन्च होता है इंडिया के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन बुरी तरह से पिटने वाला है इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी यहाँ पे जो स्मार्टफोन्स अगर लॉन्च होते हैं 20,000 के ऊपर, तो उनमें आपको 765G मिलता है या फिर 855 मिल जाता है। तो ये स्मार्टफोन में भी आपको 765G ही देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, और जो भी लीक्स आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे फेक हैं। चलिए अब बात करें स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ओप्पो की रेनो सीरीज़ होती है वो खासकर यहाँ पे पॉपुलर है कैमरे के लिए। तो स्मार्टफोन में भी आपको ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, और जिसका प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, जो कि सोनी के सेंसर के साथ में आता है। और जिसका सेकेंडरी कैमरा है वो भी 48 मेगापिक्सल का ही है, और वो भी सोनी के सेंसर के साथ में आता है। यानी कि डुअल 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और जिसका तीसरा कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि अल्ट्रा वाइड वीडियोज या फिर फोटोज के लिए यूज़ किया जाएगा। साथ ही स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी अच्छी सेल्फीज वगैरह ले सकते हैं। अब यार बात करें स्मार्टफोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट को लेकर, तो स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए ऑब्वियसली 65 वाट का एक सुपर फास्ट वूक 2.0 चार्जर देखने को मिल जाता है इनबिल्ट, जो कि काफ़ी कमाल की बात होने वाली है। और स्मार्टफोन आधे घंटे से भी कम टाइम में 0 to 100% चार्ज हो जाता है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। अब यार बात करें स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में, तो स्मार्टफोन में आपको UFS 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ ये स्मार्टफोन Android 10 पे बेस्ड होगा, और कलर के साथ में आता है। अब यार बात करें स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में कि किस प्राइस पे स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। अगर ये स्मार्टफोन 720G के साथ में लॉन्च होता है, तो ये स्मार्टफोन आपको under 20,000 इंडिया में देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर ये स्मार्टफोन 765G के साथ में भी लॉन्च होता है, तो ये स्मार्टफोन आपको 30,000 के अराउंड इंडिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली OnePlus ने अपना OnePlus Nord लॉन्च किया, जो कि 25,000 में देखने को मिलता है बेस वेरिएंट। तो ये स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है वो भी आपको अराउंड 25,000 के देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कितनी प्राइस रहनी चाहिए स्मार्टफोन की इंडिया के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो प्लीज से वीडियो को शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।